देखिए दोस्तों, अब मैं वापस आया हूँ अपने ऑफिस में और इनको पहले से ही पहचान हो जाती है और मैंने इनको सिखा भी रखा है कुछ एक वॉइस कमांड, जैसे विसल की आवाज़ मैं करूँगा, देखो। जैसे विसलिंग इनको करते हैं ये समझ जाते हैं कि मैं आ गया हूँ ऑफिस में। व्हाइट वाली पता नहीं कहाँ है, अभी अभी आ जाएगी व्हाइट वाली भी। पहले तो इसको साफ कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कितने समझदार हैं, इनको पता लग चुका है अभी इनको खाना मिलने वाला है, तो ये पहले ही अंदर आ जाते हैं इसमें। ये देखिए, ये ग्रीन ग्रास में इनको डालूंगा तो कैसे विस्लिंग करते हैं। ये देखिए अंदर आ गया, एक व्हाइट वाला गिनी पिग दिख नहीं रहा, अभी आ जाएगा वो भी। पहले ग्रीन ग्रास को अंदर डाल लेते हैं, उसका क्या है जो मेल है वो बाहर से देखना, वो अंदर आएगा लेकिन थोड़ी देर बाद आएगा, उसका स्टार्टिंग से ऐसे ही है, वो पहले बाहर बाहर से खाएगा फिर आएगा अंदर काफ़ी टाइम बाद। ये इधर कॉकटेल है, इनके अंदर ही मैंने इसका एक वुडन का बॉक्स डाल रखा है ताकि रात को जब इनको सोना हो तो ये अंदर चले जाते हैं इसके बॉक्स के अंदर। आज कुछ नया ट्राई करता हूँ कॉकटेल में भी। जो इनके दाने होते हैं वो तो मैं डालूंगा लेकिन ट्रायल के लिए रोटी के टुकड़े डाल रहा हूँ करके, मैं भी खा लेंगे। ये डर जब जाते हैं, जब इनको विसलिंग नहीं करते अचानक से कोई आएगा ना तब ये डर जाते हैं, अदरवाइज नहीं डरेंगे। अभी भी बारी है, ये देखिए बाहर से खाएगा अभी ये। व्हाइट वाले गिनी पिग को भी पता चल गया है फूड आने वाला है, वो भी आवाज कर रहा है अंदर, नीचे नीचे की तरफ है वो। एक दिन हुआ उसको, अभी इतना पता नहीं है। ओ ये देखो, ये आया हुआ है, इसको भी धीरे धीरे पता चल जाएगा विस्लिंग जब करेंगे। जब भी मैं इनको फीड देता हूँ तो विस्लिंग करता हूँ ताकि इनको पता चल जाए कि मैं आ गया हूँ। अगर और कोई होगा इनके पास में
तो ये इधर उधर भाग जाएंगे, एक साथ नहीं दिखेंगे। कोशिश ये करो आप कि इनको हाथ से ना पकड़ो ज़्यादा जब ये फूड खा रहे हो। और मैं वो लाया था वो सही कौन था? अरे क्यों ना इसी वीडियो में ये देखो, ये पिल्लो जैसे मैं लेके आया, अब ये वापिस आ गए है सॉफ्ट पिल्लो पे। अब ये रात को सोएंगे तो भी इसी पे सोएंगे, बैठेंगे मोस्टली तो भी इस पिल्लो पे बैठेंगे, नीचे इतना नहीं बैठेंगे अभी। टोटल भी ट्राई कर रहे हैं, थोड़ी सी रोटी डाली है अभी मैंने इनको, ज़्यादा नहीं डाली, एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ी सी ही डाली है, इसलिए गिनी पिग भी खा रहे हैं, इनको भी थोड़ी सी डाली है इसलिए। व्लॉग बनाएगी तो हाँ, व्लॉग बनाऊंगा, व्लॉग बनाऊंगा। व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉग देखिए ये हमारा व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉग राकेश नाम है इसका, व्लॉग बना रहे हैं। देखो मेरे फोटो एक नंबर का ये हफ्ता के, तो यार कैमरा में है ये, देख रहे हैं इसकी वीडियो। ये देखो वो बड़ा टक गया मुंह में इसका, खोलिए इसका, लो खोलिए इसको, नीचे तो ऊपर खुला था नीचे। बढ़िया 11 प्रो का कैमरा वाकई में। कितने जीबी है? चली गई अब तो जानी है जा। हाँ उन्हें भी आया था कल तेरा नाम बोल से खाता था लगे अपना दे दिया उसने एक दो। सफाई देना चाह तू दे, तूने सोचे यार चौथा ला पांच मिनट इधर कपड़े बदल लियो मैं, हाथी ने रुका मारे, हाथी ने फोन मार दिया, एक बार रुका मार दी, अरे रुका तो कौन सुना, फोन मार देता एक बार, रुका तो कौन सुना, इधर बटर दिखा ये तंबाकू दिखा, ये दिखा उरा उरा मैं छोड़ते हैं तुम। ये इधर कॉकटेल को भी फिर डाल दिया, अब मैं देखो कितने पास से इनकी वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी कोई एग्रेशन नहीं है इनमें। इनके साथ छेड़खानी करेंगे तो डर जाते हैं, ये देखो ये ऐसे कुछ परेशान करोगे फिर डर जाएंगे। बाकी दोनों ब्लैक वाले रेड रेस्ट मोड में हैं, वाइट वाला भी नया फैमिली में, वाइट वाली नॉन स्टॉप खा रही है अभी।
एक बात बता, वो मिठाई वाला एक पिप्पा पड़े यार, वो रसगुल्ले रसगुल्ले खराब हो रहे हैं उसमें, वो कटा छोड़ दूँ उसने, आधा भी पिप्पा पड़े फिर दे ही दे वो हर पल्ले की चीज़, वो बेरे एक और पड़ा खराब हो गई पड़ी पड़ी है। वो ये रोटी ट्राई कर रही है वाइट वाली की निपेट, देखते हैं अब इनको ओपन करके बाहर निकलते हैं, यानी अभी तो खाना ही खाएंगे, अभी मुश्किल है बाहर निकलना है इनका। फीमेल ट्राई कर रही है ब्लैक वाली, निकलने नहीं देंगे हम। एक बात और नोटिस की मैंने, ये ब्लैक और वाइट वाली जो फीमेल है ये आपस में कई बार लड़ाई भी करने लगती हैं, धीरे धीरे पता चलेगा इनका क्यों लड़ रहे हैं। कॉकटेल भी मजे लेके खा रहे हैं अभी, अभी इनका फीड निकाल के देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है इनका। अभी निकालते हैं इनका फीड वापिस। ये देखो ग्रीन ग्रास जो है वो सबको फेवरेट है, किसी को भी आप डाल दो, कॉकटेल को डालो, बजरी को डालो, ये सब खाना छोड़ के ग्रीन ग्रास पे लग जाते हैं फिर। ये देखो ये ग्रीन ग्रास ही फेवरेट है इनका, अगर आपके आसपास ग्रीन ग्रास अवेलेबल हो तो मैं रिकमेंड यही करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन ग्रास ही डालें आप इनको। ये कॉकटेल भी मेरे पास है, 4 महीने हो चुके हैं इनको, स्टार्टिंग से ही मैंने इनको ग्रीन ग्रास डालना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे यहाँ ग्रीन ग्रास इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये देखो ये इसको खाएंगे नहीं, इसको तोड़ तोड़ के इनका रस है वो रस पीते हैं। इधर भी हलचल स्टार्ट हो गई है,
आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये सारा भी 2-3 मिनट में ये सारा फिनिश कर देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है उनका। माइक के लिए मैंने स्टार्टिंग में कल रात को सर्च किया था अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे। मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, बोया का माइक स्टार्टिंग के लिए मैंने सोचा था कि मैं लूँ, तो फिर उसमें भी कल मैंने देखा तो एक में डुप्लीकेट, एक डुप्लीकेट की पोस्ट आई हुई थी उसकी यूट्यूब पे ही कि डुप्लीकेट भी पर्सन रखते हैं, डुप्लीकेट और ओरिजिनल में क्या क्या डिफरेंस है, उसका कल मैंने देखा यूट्यूब पे। क्योंकि इधर लोकल मार्केट से मैं लेके आऊँगा, मे भी शायद वो डुप्लीकेट दे दे मेरे को, तो मुझे अब उसका पता चल गया है कौन सा असली है कौन सा नकली है। तो जब मैं वो माइक भी लेके आऊँगा तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा जो मुझे पता चला था असली और नकली का डिफरेंस का, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा मैं काफ़ी जल्दी करूँगा। पैक्स की ये मेरी सेकंड वीडियो है जो मैं आज बना रहा हूँ, फ्यूचर में देखते हैं। कौन कौन सी वीडियो मैं बनाऊँगा आज रात को प्लानिंग करता हूँ मैं। इनका प्ले स्टेशन टाइप कुछ बनाऊंगा मैं जिसमें ये खेल सके, इस टाइप से कोई एक्टिविटी करूँगा। इधर देखिए कोपे कितने मज़े से खा रहे हैं ग्रीन ग्रास को, ये देखिए नॉन स्टॉप। ये प्रेस करके ओनली रस पी रहे हैं इसका, इससे पानी की भी कमी नहीं रहेगी इनको। ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं ये अपना ग्रीन ग्रास, एक साथ मैंने इसलिए डाल दी थी ताकि इनका ध्यान भी अपना खाने की तरफ ज़्यादा हो, क्योंकि कई बार आपस में ही लड़ाई करने लग जाते हैं। अभी वाइट वाला जो फीमेल है हमारा गिनी पिग, एक ही दिन हुआ है उसको अभी, तो थोड़ा एडजस्टमेंट में इनको टाइम लग ही जाता है। 3-4 दिन में नॉर्मल आ जाते हैं, अच्छे से रहने लग जाएंगे फिर।
जो वाइट वाला फीमेल है हमारा गिनी पिग, उसकी आईज रेड है, ये देखिए, बाकी की आईज ब्लैक है। ब्रीडिंग के बाद देखते हैं इनका जो बेबी होगा वो क्या शेड आएगी, इसमें कैसा इफेक्ट दिखेगा उनका। ये भी 2-3 महीने तो लग जाएंगे, 2-3 महीने में बेबी के लिए रेडी हो जाएगी वाइट फीमेल। तो ये हमारे शम के दोस्त फिर आ चुके हैं। हेलो हेलो गाइस, चलो आज के साथ गेम स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे अभी थोड़ी देर में, अभी इनका लूडो स्टार्ट होने वाला है। ये जस्ट लूडो नहीं है, ये टूर्नामेंट चलता है हमारा लूडो का, पता है? अच्छा, डेली। मैं तो अभी 2 दिन से आने लग गया हूँ शाम के टाइम में। इधर मेरा घर के पास ही ऑफिस है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे, 2 मिनट का ही रास्ता है। पिल्लो के नीचे चला गया, रोज नाम है इसका मेल का, रोज हमारा नीचे जा चुका है पिल्लो के नीचे। ये ब्लैक फेस में है, ये मैरी है, और वाइट वाले का नाम मार्लो। पिलो को इन्होंने उल्टा कर दिया। अब इधर ये देखिए, ये कटा हुआ है, तो मैं भी ये जो अंदर इसके कॉटन है उसको ना खाने लग जाए तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ पीस। डस्टिंग वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है इनको, ये देखिए अपने आप ही साफ कर लेते हैं हाथ पाँव को। अब 2-4 मिनट में ये सारे के सारे इधर ही आ जाएंगे, पिलो पे आ जाएंगे तीनों के तीनों। अब इनकी फाइट होने वाली है मुझे पता है। जब मैं लीटिंग में आता है तो ऐसी साउंड करता है,
यार तक करने वाले हैं। ब्लैक फीमेल ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो वो इरिटेट रहती है, वो अपने पास नहीं लगने देती इसको। ये हमारा रोज़ है, रोज़ को पास नहीं लगने देगी ये, मैरी है जो। अभी गेम चल रहा है रोज़ और मार्लो के बीच में। बाहर निकालते कितना है, थोड़ा सा।